हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूं, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान का पार्ट 8वां पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वह TGT, PGT, KVS, NVS, राजस्थान, PTI, LT, कुछ भी हो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर सभी वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस करना आप न भूलिएगा। एंड दोस्तों, जो डेली बेसिस पे मैं चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसको भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, कौन सा तथ्य इसके संबंध में इसमें सही नहीं है? ऑप्शन है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। जैसा कि ये सही है कि जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। बी है, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित होती हैं, जबकि अनिर्देशित नहीं होती हैं दोस्तों, निर्देशित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी है, अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य को की प्राप्ति तक जारी रहता है। ठीक है, जो एक बार मोटिवेशन उत्पन्न हो गया, जब तक लक्ष्य का या उद्देश्य का प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो कुछ ना कुछ बनी रहती है। डी है, अभिप्रेरित व्यवहार में एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है, कोई लक्ष्य लेकर के आप चलते हैं, तभी तो उसके प्रति आप मोटिवेट रहते हैं। तो यहाँ पे अभिप्रेरित व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति जारी रहता है, अभिप्रेरित व्यवहार में एक निश्चित लक्ष्य होता है, तीनों सही हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है वह मोटिवेशन के संबंध में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अभिप्रेरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणात्मक चक्र यानी मोटिवेशनल साइकिल से संबंधित नहीं है? जैसा कि दोस्तों, हमारे पास कोई आवश्यकता होगा तभी हम किसी चीज के लिए मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहन होंगे, प्रणोद यानी आवश्यकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभिप्रेरणात्मक चक्र आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन है, बट भोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? तो यह प्रणोद अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणोद यानी कि ड्राइव, आवश्यकता यानी कि नीड, प्रणोद यानी ड्राइव, आवश्यकता यानी नीड का आपस में क्या संबंध है? तो इसका आपस में ये दोनों समानांतर यानी कि दोनों पद है, समानांतर यानी पैरेलल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोत्साहन यानी कि प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र का कौन सा स्टेप है यानी कदम है? तो यह दोस्तों तीसरा स्टेप है इसका, पहला आवश्यकता, दूसरा प्रणोद, तीसरा प्रोत्साहन, तो यह अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा स्टेप है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को लक्ष्य या प्रोत्साहन कराने के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों उसको सबसे बड़ा आवश्यकता है आवश्यकता, किसी चीज की आपको आवश्यकता होगी तभी आप उस चीज के प्रति प्रोत्साहन होंगे या मोटिवेट होंगे, तो वस्तु आवश्यक से संबंधित हो। ठीक है, वस्तु आवश्यक से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूख, प्यास तथा काम एक कैसी आवश्यकताएं हैं? तो यह चक्रीय आवश्यकताएं हैं, साइकिल नीड है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अभिप्रेरणात्मक चक्र यानी मोटिवेशनल साइकिल में संज्ञान तत्व किसने जोड़ा है? तो इसमें संज्ञान तत्व जोड़ा है डेसी ने। नेक्स्ट है, निम्न में क्या संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र का एक अंग नहीं है? तो जैसे कि दोस्तों, इसमें आवश्यकता यानी नीड, आवश्यकता यानी कि इंसेंटिव, एंड संज्ञान यानी कॉग्निशन है, बट मूल प्रवृत्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जन्मजात अभिप्रेरक को यानी इनबर्न मोटिव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जन्मजात अभिप्रेरक को, जैसा कि दोस्तों अभिप्रेरणा जो है वो दो प्रकार की होती है, जन्मजात यानी जैविक और दूसरा अर्जित। जन्मजात जो होती है जैसे कि भूख, प्यास आदि, और अर्जित जो हम जन्म के बाद समाज द्वारा या अपने आप अपने कर्मों से अर्जित करते हैं वो होता है। ठीक, जैसे
इसमें क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है, जैविक होते हैं और शारीरिक अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है, ये अर्जित नहीं होते हैं। जन्मजात शारीरिक अभिप्रेरक होते हैं और जैविक अभिप्रेरक होते हैं, यानी शारीरिक अभिप्रेरक यानी कि फिजियोलॉजिकल मोटिव, जैविक अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल या बायोजेनिक मोटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, दर्द परिहार यानी कि पेन एवांडेंस तथा तापक्रम नियमन यानी टेम्परेचर रेगुलेशन किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? तो दोस्तों दर्द ये सब कहाँ से आता है, ये जन्मजात होता है, एक जैविक है, शारीरिक है, शारीरिक अभिप्रेरक है और जन्मजात अभिप्रेरक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि भूख के स्थानीय उद्दीपन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आमाशय में संकुचन के कारण भूख और दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के मापन में प्रयुक्त विधि है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के मापन में प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो इसकी प्रयुक्त विधि है आपका टार्ट, TAT। उपलब्धि अभिप्रेरणा के मापन की प्रयुक्त विधि क्या है? टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का विस्तृत अध्ययन कर इसको टार्ट विधि के द्वारा मापने का श्रेय जाता है। तो इसको उपलब्धि अभिप्रेरणा का विस्तृत अध्ययन करके टार्ट विधि के द्वारा मापने का श्रेय जाता है मैकलीलैंड को। किसको जाता है? मैकलीलैंड को। मापा किसने है टार्ट विधि द्वारा सबसे पहले उपलब्धि अभिप्रेरणा का? तो मैकलीलैंड ने। नेक्स्ट है अभिप्रेरित व्यवहार होता है, अभिप्रेरित व्यवहार कैसा होता है? चक्रीय होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसी अभिप्रेरक को क्रिया चक्र विधि एक्टिविटी व्हील मेथड द्वारा नहीं मापा जा सकता, किसको नहीं मापा जा सकता है? तो किसको नहीं मापा जा सकता है? काम को, ठीक है, भूख प्यास को मापा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TAT यानी टार्ट विधि को रखा जाता है, ठीक है, TAT यानी टार्ट विधि को रखा जाता है किसमें रखा जाता है? प्रक्षेपण विधियों में, ठीक है, प्रक्षेपण विधियों में। नेक्स्ट है कथानक श्रम प्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि टार्ट TAT का प्रतिपादन किया, तो इसका प्रतिपादन किया मर्रे ने, इसका प्रतिपादन किसने किया? मर्रे ने। और इसका विस्तृत अध्ययन करके टार्ट विधि द्वारा मापने का श्रेय किसको जाता है? मैकलीलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आविष्कारक विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई जब कोई प्रश्न होगा तभी किसी चीज का आविष्कार होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इपस्टीन का जो संबंध डबल डिप्लेशन सिद्धांत से है वही संबंध मैकडूगल का किस सिद्धांत से है? मैकडूगल ने किस कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल ने किसका सिद्धांत दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है कि मनुष्य अपने व्यवहारों के नियंत्रण एवं निर्देशन में पशुओं की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का अधिक उपयोग करता है? इस बात को कहा है विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति के तीन प्रधान तत्व होते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व तीन प्रधान तत्वों में सम्मिलित नहीं है? आपको ये ढूंढना है। तो इसमें सामान्य उत्तेजन पहलू, क्रिया पहलू, लक्ष्य निर्देशन पहलू तीनों है, जबकि प्रेरक शक्ति पहलू नहीं है। नेक्स्ट है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति की प्रमुख चार विशेषताएं हैं जिनका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, पहले स्रोत यानी रिसोर्स होता है किसी चीज का, फिर उद्देश्य यानी कि एम होता है, फिर वस्तु यानी ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेरक शक्ति यानी इम्पेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती है, प्रवृत्तियां यानी कि जन्मजात, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां यानी कि जो मूल रूप से हैं,
जो जन्मजात हैं। तो मेडिकल के अनुसार मूल प्रतियां जो है वो जन्मजात है, यानी कि इनबर्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका नौवां पार्ट होगा, जिसमें आपका स्पोर्ट साइकोलॉजी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं योगा एंड रिक्रिएशन के टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आता होगा, जो समझ में नहीं आता होगा मुझे कमेंट में जरूर बोलिए, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।